बड़ी पतंग। बीबी नगर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति पतंग बनाता था। उसका नाम था कालिया। वो पतंग बनाकर अपने साइकिल में ले जाकर गांव-गांव बेचता था। उसके माँ बाप बूढ़े थे। उसे इस बात का दुख था कि उन दोनों के दवाई के खर्च के लिए उसके पास पैसे कम पड़ते थे। उस इलाके में कन्ना और मुन्ना नाम के दो चोर रहते थे। वो बड़े बड़े घरों में चोरी करते थे और उन पैसों से ऐश करते थे। क्योंकि वे दोनों कभी पुलिस के पकड़ में नहीं आते थे, तो पुलिस के उच्च अधिकारी अपने छोटे पुलिस अफसरों को बहुत डांटते थे। एक एसआई, सर हमें डांटने से क्या होगा सर, हम अपनी तरफ से खूब कोशिश कर रहे हैं सर, हर रोज रात को हम गांव के चक्कर लगाते रहते हैं सर, फिर भी ये कमीने हाथ नहीं लगते सर, जब तक गांव वालों का समर्थन ना हो उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है सर। तब पुलिस अधिकारी, तो तुम ये कहना चाहते हो कि उन्हें पकड़ने के लिए सारे गांव को पुलिस में भर्ती कर दूं, हैं? तब एसआई, नहीं सर ये बात नहीं है, आप गांव में ऐलान करा दीजिए सर कि जो उन दोनों को पकड़ेगा उन्हें नकद इनाम मिलेगा, बस फिर देखिए। इस तरह पुलिस ने उस गांव भर में पोस्टर्स चिपकाए। उस पोस्टर में कन्ना और मुन्ना के तस्वीर के साथ साथ ये लिखा था कि जो उसे पकड़ कर लाएगा उसे 10 लाख रुपए का नकद इनाम मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति आकर कालिया से मिला। वो व्यक्ति कालिया से, देखो भैया क्या तुम्हारा नाम कालिया है? मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं वातावरण पर परिशोधन करता रहता हूँ, कम खर्च पर परिशोधन करने का एक मौका मिला है मुझे, क्या तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ी पतंग बना कर दे सकते हो? मैं उसमें इंजन फिट करके उसे हवा में उड़ाऊंगा, उसमें जो सेंसर मैं फिट करूंगा वो हवा में उड़कर वातावरण का परिशोधन करेगा। मैं तुम्हारे खाते में 10,000 रुपए का एडवांस जमा करूंगा, काम पूरा होने के बाद तुम्हें बाकी पैसे मिल जाएंगे, कहकर उसने फोन द्वारा पैसे ट्रांसफर किए। कालिया ने खुश होकर उसे प्रणाम किया। इस तरह उसने एक बहुत बड़ा पतंग बनाया। उसने उसके साथ 2 बाल्टी भी बांधा। साइंटिस्ट ने पतंग के पिछले हिस्से में एक इंजन को फिट किया। फिर उसने उन दोनों बाल्टियों में कोई रसायन भरा। फिर साइंटिस्ट के रिमोट दबाते ही वो पतंग हवा में उड़ने लगी। उन बाल्टियों में से रसायन बारिश की तरह गिरने लगी। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। साइंटिस्ट कालिया से, शाबाश कालिया शाबाश, बस ये देखकर देश भर के बाकी साइंटिस्ट भी तुम्हें ही ऑर्डर देंगे, ऑल दी बेस्ट, ये लो तुम्हारे बाकी पैसे अभी ट्रांसफर करता हूँ, कहकर उसने फोन द्वारा पैसे भेज दिए। मैं कल आकर इसे ले जाऊंगा। कालिया, सर मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मेरे बूढ़े माँ बाप भी आपके एहसान मंद हैं सर, कहकर उसने प्रणाम किया। बाद में एटीएम जाकर उसने पैसे विड्रॉ किए। उसे ऐसा करते हुए कन्ना और मुन्ना ने देखा। कन्ना, यार इसने तो बहुत पैसे ड्रॉ किए हैं। अरे आजकल पुलिस की गश्त लगी रहती है अमीरों के घर के पास, आज इसके घर में से पैसे लूटते हैं। अब गरीब के घर पे चोरी करेंगे तो पुलिस भी परेशान हो जाएगी। चल यार जल्दी चल, कहकर वो कालिया के घर गए और उसके घर से पैसे चुराए। धीरे धीरे जाते हुए कन्ना के पैर एक घड़े से टकराया। उस घड़े की आवाज सुनकर घर में सब लोग जाग गए। सब जोर से चोर 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 करके चिल्लाने लगे। दोनों चोर घबरा कर घर के बाहर आए, लेकिन तब तक उस घर के चारों ओर लोग जमा हो गए। ये दोनों हड़बड़ा कर उन दोनों बाल्टियों में जाकर छुप गए। कालिया ने ये सब घर के अंदर से देखा। वो रिमोट लेकर बाहर आया। उसने जैसे ही रिमोट दबाया पतंग हवा में उड़ने लगी। अपने आप को ऊपर उड़ते हुए देखकर दोनों चोर परेशान हो गए। दोनों चोरों को देखकर गांव वाले भी परेशान हो गए। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंची। कालिया के रिमोट दबाते ही पतंग जमीन पर आ उतरी। पुलिस और गांव वालों ने मिलकर उन दोनों चोरों को बहुत मारा। बाद में पुलिस मीटिंग में पुलिस ने कालिया को बुलाकर 10 लाख रुपए का नकद इनाम दिया। कालिया बहुत खुश हुआ।